और क्वेश्चन बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6 यूनिट 3, संख्याओं के साथ खेलना यानी प्लेइंग विद नंबर्स। हम कर रहे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, राइट। और अगर आपको इससे पहले यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन चाहिए, आपको देखिए मेरा पिछला वीडियो, और एक मैंने वीडियो बनाया है 3.2 का बेसिक फंडामेंटल का वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखते ही आपके सारे कंसेप्ट, ये जो अभाज्य भाज्य और अभाज्य के जो जितने भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, और 3.2 कर पाएंगे आप आसानी से, राइट। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं संख्याएं, संख्या 13 और 31, 13 और 31 के अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो क्या होती है, जो या तो एक से भाग हो या खुद से भाग हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे 13 है ना, और उसको रिवर्स कर दिया है ना, रिवर्स या 3 को उधर लेकर है, 1 को उधर लेकर, तो ये बन 31। दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहते हैं कि एक तो क्वेश्चन कहता है कि इस तरीके से इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म आपको ज्ञात करना है, ऐसे सभी युग्म ज्ञात करना है जो जो कि जिसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो वो तब भी वो क्या क्या रह जाए, वो अभाज्य संख्या रह जाए। तो देखो हम 13 के बाद देखो 14 अभाज्य संख्या नहीं होती, 15 नहीं होता, 16 नहीं, 17 की हम बात करते हैं सॉल्यूशन, तो 17 की हम बात करते, देखो 17 अभाज्य संख्या है और मैं इसका रिवर्स करता हूँ, 7 को उधर ले आया, राइट, और 1 इधर, तो 71 में क्या हो गया हमारे पास, ये जो 71 है, 17 और ये 71, तो ये दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 भी देखो एक से भाग होता है और खुद से भाग होता है, यहाँ पे 71 भी एक से भाग हो या तो खुद से भाग हो, फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो हमें एक एक पेयर मिल गया, लेकिन ऐसे हमें कितने पेयर ढूंढने हैं आपको, 100 तक बोला है, 100 तक आपको चलना है, और ऐसे जितने पेयर मिलते हैं आपको ऐसे ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे हमने, मैंने 17 और 71 का पेयर ले लिया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 17 18 इस तरीके से 18 19 19 19 को अगर हम देखें तो 19 अभाज्य संख्या है, लेकिन जब हम 19 का उल्टा करें, यानी 19 अगर अभाज्य संख्या है लेकिन 19 का उल्टा करें तो ये बनता है 91, लेकिन 91 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो एक से भाग होता है। फिर 13 का पहाड़े में भी आता है, 13 97 91 है ना, और 91 से तो खुद भाग हो, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इस पेयर को नहीं लेंगे, राइट। हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको हम जब रिवर्स करते हैं तो वो भी क्या हो, अभाज्य संख्या ही हो। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे पेयर है, देखो अगर आप बढ़ते बढ़ते चले जाओगे तो 37 और 73 का ऐसा पेयर, देखो 37 के अभाज्य संख्या जो एक से भाग होता है और 37 किसी पहाड़े में नहीं आता, 37 खुद से भाग होता है। अगर आप इसे उल्टा कर दो, यानी 73 तो एक से भाग होता है और 73 किसी के पहाड़े में आता तो खुद से भाग होता है। तो ये दोनों, ये ऐसे ये दोनों पेयर भी क्या है, अभाज्य संख्याओं का पेयर है। और अगर हम आगे बढ़े और अगर हम बात करें आगे बढ़कर, तो एक ये हो गया आपके पास 79 और 97, राइट। तो 79 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 97 भी क्या है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दे 79 को 97 कर दे तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बीच में देखो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, 100 तक गिनती लिखकर आप बीच में जो चेक करो, ताकि आपका जो आपका, क्योंकि मैं तो देखो टीचर हूं तो मुझे पता है, राइट। लेकिन आप अभी क्योंकि पहली बार कर रहे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप 100 तक काउंटिंग लिखें, और लिखने के बाद आप एक 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 ही काउंटिंग से आगे बढ़ो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उन सवालों को, उतना ही आपको एक्सपर्टीज मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो देखो, तो मेरे लिए तो क्या है कि मैं बार बार कराता हूँ, तो आप ये मैंने आपके लिए इस तरीके से लिख दिया, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन आपको क्या करना है, जिस प्रोसेस में मैंने बोला उस प्रोसेस आपको देखना है, और थोड़ा सा जब आप मेहनत करके आप ढूंढेंगे तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा भी लगेगा आपको करके। यहाँ देखो मैंने इस तरीके से इतना ढूंढा, इतनी मेहनत करके मैंने 3 पेयर, ऐसे 3 पेयर मैंने ढूंढ लिया, राइट। तो राइट, तो इस तरीके से हम ये आपको जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है, हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहते हैं 20 से छोटी सभी अभाज्य भाज्य संख्याओं को हमें अलग अलग करना है। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने पहले काउंटिंग लिखी है, तो 20 से छोटी छोटी, तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मैंने लिया 10, फिर मैंने लिया 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 तक लेना, 20 से छोटे छोटे बोला तो 20 नहीं लेना। तो आपको क्या करना है, देखो अभाज्य अभाज्य और भाज्य,
यानी अभाज्य और भाज्य को आपको अलग अलग करना है राइट। तो देखो अभाज्य का मतलब क्या है, जो एक से भाग हो या तो खुद से भाग हो। तो फिर मैं चलता, देखो पहला जो एक है, एक तो ना तो भाज्य होता है ना भाज्य होता है, तो मैंने जो बेसिक फंडामेंटल है उसे मैंने आपको बताया। तो एक ना तो भाज्य होता है ना भाज्य, तो एक के बारे में सोचेंगे नहीं। दो क्या है, अभाज्य संख्या राइट। तो मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ वो अभाज्य संख्या। तीन भी क्या अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से भाग होता है खुद से भाग होता है। पांच भी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से भाग होता है खुद से भाग होता है। सात भी क्या एक अभाज्य संख्या, क्योंकि खुद से भाग होता है और एक से भाग होता है। आठ अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के बहुत सारे गुणनखंड हैं, जैसे एक है, एक से भाग हो जाता है, दो से भाग हो जाते हैं, चार से भाग हो जाता है, आठ से भाग हो जाता है। तो ऐसे नौ भी नहीं है, दस है। तो ग्यारह अभाज्य संख्या है, तेरह अभाज्य संख्या है राइट। ग्यारह तेरह, फिर आप बात करें तो सत्रह अभाज्य संख्या है, और बात करें तो उन्नीस क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है, जिसमें मैंने राउंड किया है तो वो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्या के एक एक मैंने हेडिंग बना लिया, और उसके अंदर मैं ये सारी संख्याओं को लिख देता हूँ, यानी दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह और उन्नीस, ये सारी संख्या क्या अभाज्य संख्या है राइट। और अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो ये जो सारी संख्या है, यानी इसको छोड़ दिया जाए सबको, इनको छोड़कर बाकी जो सारी संख्या है वो अभाज्य संख्या, क्योंकि एक को नहीं लेना, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है ना एक अभाज्य होता है। तो एक ना भाज्य ना अभाज्य, तो एक को छोड़ देना, बाकी जो सारी संख्या चार छ आठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह और ये अठारह, ये सब सारी संख्या है वो क्या है, वो भाज्य संख्या राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं बीस से छोटे छोटे, जैसे मैंने बीस नहीं है राइट। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो दो ही गलतियां होती है बच्चों से, एक तो गलती ये होती है कि वो बीस में ले लेते, दूसरी गलती क्या होती है, एक को या तो वो भाज्य में डाल देते हैं नहीं तो अभाज्य में। तो लेकिन हमने मैंने आपको नोट्स में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक ना तो भाज्य होते ना अभाज्य। तो आपको इन दोनों एक को भाज्य और अभाज्य किसी कैटेगरी में नहीं लेना, बाकी सारे नंबर्स को आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेना है भाज्य और अभाज्य राइट। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है, और मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर पांच ही, कहता है एक और दस के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। तो एक और दस तक की गिनती लिख लो, एक और दस के बीच, यानी एक और दस के बीच, तो एक नहीं लेना दस नहीं लेना, बीच की संख्या लेंगे। तो यानी अगर मैं इसको सॉल्यूशन करना शुरू, मैं काउंटिंग ले लेता हूँ, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ, यानी ये हुआ ठीक है राइट। तो ये संख्या हो गई एक और दस के बीच में, ये सारी संख्या हो गई। कहता है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी मतलब इधर से ले लो। देखो नौ भाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। आठ भी अभाज्य संख्या नहीं है। सात, अगर मैं सात की बात करूं तो सात क्या है, अभाज्य संख्या। अगर मैं पीछे से लूंगा तो मुझे बड़ी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः हमारा आंसर क्या रहेगी, दस एक और दस के बीच, एक और दस के बीच, बीच सबसे, एक और दस के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपके पास यहां पर सात राइट। क्योंकि मैंने कह रहा कि पीछे से लिया ना, यानी घर से लूंगा तो बड़ी संख्या, घर से लेता तो छोटी संख्या बची। तो नौ होता नहीं अभाज्य संख्या, आठ भी नहीं होता क्योंकि आठ और नौ नहीं होता, तो सात क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है। तो देखो बार बार आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको समझना है काउंटिंग लिख लिख के, और जब वो एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कितना निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग में व्यक्त करना है। देखो यहाँ पे चौवालीस है ना, पहला क्वेश्चन क्या, चौवालीस, चौवालीस को मुझे ऐसे दो टुकड़ों में व्यक्त करना है कि वो क्या हो, कि वो दोनों दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, चौवालीस, यानी पहला जो ए पार्ट है मेरे पास, ए पार्ट, तो मैंने चौवालीस को मैंने क्या किया, चौवालीस को टुकड़े कर दिया मैंने किसमें, तीन और इकतालीस में, तीन और इकतालीस में। देखो तीन और इकतालीस क्या है कि जो तीन है ये भी अभाज्य है और इकतालीस भी क्या अभाज्य है, दोनों अभाज्य संख्या, और इसको जोड़ू तो वापस क्या आएगा, चौवालीस हो जाएगा। तो मैं योग के रूप में क्या क्या व्यक्त कर दिया। देखो ऐसे आप और भी अनेक पेयर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके ये पेयर है तो आप अलग अलग और भी पेयर बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया सात, और क्या ले लिया मैंने सैंतीस, सात और सैंतीस भी क्या होता है कि सात और सैंतीस भी क्या होता है, चौवालीस होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दो है ना, तो सात और सैंतीस भी क्या होता है, चौवालीस होता है। तो आप चाहे तो ये पेयर बना सकते हो, ये पेयर बना सकते हो, लेकिन व्यक्त करने तो मैं सबके सारे सवालों के दो दो पेयर नहीं बनाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप वही मेरा वही वही आंसर से मतलब वो है, मतलब इसके बाद कोई आंसर नहीं है, आप ऐसे अलग पेयर भी बना सकते। इसलिए आपका भी आंसर और मेरा आंसर अलग अलग होकर भी सही हो सकता है राइट। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कह 36 ले लिया। तो देखो 36 में कैसे कैसे बात कर सकता हूँ, देखो पांच और इकतीस,
पांच और इकतीस, पांचवे भाज्य संख्या इकतीसवे भाज्य संख्या। सी की बात करूं मैं तो सी जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या है, चौबीस। चौबीस में ध्यान दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांच प्लस में उन्नीस, देखो पांचवे भाज्य संख्या उन्नीसवे भाज्य संख्या, तो पांच और नौ कितना होता है चौबीस होता है। डी की मैं बात करूं तो क्या अठारह है, तो क्या हो जाएगा पांच प्लस में तेरह, देखो ये भी क्या अभाज्य संख्या, ये भी क्या अभाज्य संख्या। तो मैंने इस संख्या को क्या किया, दो अभाज्य संख्या में क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के योग के रूप में क्या कर दिया, मैंने व्यक्त कर दिया। तो यही करना था मेरे को, राइट। तो क्वेश्चन का सवाल की बात करता है, कहता है देखो अभाज्य संख्याओं के ऐसे तीन युग्म लिखना है जिनका अंतर दो हो, राइट, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, दो। तो स्टार्टिंग से ले लो आप, है ना, देखो ऐसे तीन युग्म लिखना है जिनका अंतर दो। देखो ऐसे ऐसे युग्म जो जिसका जिनका अंतर दो होता है, ऐसी संख्याओं को प्राइम या ट्विंस प्राइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें अंतर दो हो, तो देखो यहाँ पे इसके बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया तीन पांच, तीन तीन और पांच का पेयर ले लिया, राइट। देखो अगर मैं इस, देखो ये तीन युग्म लिखना है, युग्म जिनका अंतर, देखो पांच और तीन के बीच में अंतर क्या होगा, दो होगा, पांच बस तीन जाएगा तो क्या आएगा, दो आएगा। तो ऐसे कितने युग्म लिखने, मेरे को तीन, तो एक युग्म मिल गया। फिर ले लो पांच और सात का युग्म, पांच और सात, देखो पांच सात में से पांच जाएगा दो ही आएगा, और ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, और इनका जो अंतर है वो दो है, सात में से पांच जाएगा दो आएगा। ऐसे आप आगे ले सकते हो ग्यारह और तेरह, ग्यारह और तेरह, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तेरह में से ग्यारह जाएगा दो आएगा। तो ऐसे तीन पेयर क्वेश्चन बोलते हैं, तीन पेयर से, तो ऐसे पेयर को, ऐसे पेयर से इस क्वेश्चन नाम है, इसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम, राइट। तो ऐसे ट्विंस प्राइम का भी ट्विन प्राइम्स, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया। ऐसे आप और भी पेयर ले सकते हो, सत्रह और उन्नीस का पेयर ले सकते हो आपसे, लेकिन मैं तीन पेयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में तीन पूछा, इसलिए मैं तीन का ही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता तो कोई और भी लिखना तो और भी लिख सकता था मैं, सत्रह और उन्नीस, सत्रह और उन्नीस भी क्या है ट्विंस पेयर है, नौ में से सत्रह जाएगा, उन्नीस में सत्रह जाएगा तो दो आएगा। तो इस तरीके से, और ये दोनों ही क्या अभाज्य संख्या है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, और भी जवाब लिखा जा सकता है, राइट। हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, राइट। तो हम बात करते हैं ए की, तेईस। तो तेईस को देखो, तेईस क्या है जो ए पार्ट है तेईस, तो तेईस को देखो यहाँ पे वो या तो एक से भाग होगा नहीं तो खुद से भाग होगा। तो ये तेईस क्या होगा, तेईस क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, क्या होगी अभाज्य संख्या, राइट। तो ये इसकी पहचान है। अगर देखो मैं बी की, बी पार्ट की बात करूं इक्यावन, तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो ये एक से ही भाग होगा, सत्रह से ही भाग होगा, फिर इक्यावन से भाग होगा, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या अभाज्य नहीं, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, राइट। लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ कि मुझे कौन से अभाज्य संख्या बतानी है, तो ये क्या है भाज्य है। सी की पार्ट करूं, मैं सी पार्ट की बात करूं, सी क्या है तो सैंतीस है, सैंतीस देखो ये खुद से भाग होगा और एक से भाग होगा, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी, राइट, अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों आंसर यानी ए बी सी डी में ए और सी अभाज्य संख्या है। और देखो छब्बीस में क्या है आपके पास, ये जो डी है, डी पार्ट के छब्बीस, देखो छब्बीस क्या है कि वो ना एक से ही भाग होगा, दो से ही भाग हो जाएगा, तेरह से ही भाग हो जाएगा, छब्बीस से ही भाग होगा, तो ये क्या होगा, ये भाज्य संख्या है, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको बताना है कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है, तो इसमें तेईस और सैंतीस, अतः तेईस और सैंतीस अभाज्य संख्या है, तेईस और सैंतीस क्या होगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका तेरह पॉइंट तीन, तीन पॉइंट दो का आपका तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको फिनिश कर दिया, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और अगर अच्छे तरीके से आए तो प्लीज अपने नोटबुक से नोट भी करना है, और क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, राइट। और अगर अपने दोस्तों को आप शेयर करेंगे तो ये उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा आपके लिए ना, राइट। आप उनको क्या दे सकते हो, यानी सवालों का ये वीडियो ट्रांसफर कर दो, और वो आपको जो खुश होगा वो ना शेयर करोगे, देखेंगे अरे वाह क्या फायदे की चीज मिला मेरे को, राइट। तो इस तरीके से अपने दोस्तों ने क्या कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, और मुझे भी खुशी होगी कि जब मैं बहुत सारे बच्चों की मदद कर पाऊंगा, कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जितना देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस यूट्यूब पे ना बच्चों के लिए मैथ्स को सिखाने के लिए, वो मुझे भी लगेगा कि मैं सफल हो रहा हूँ, राइट। तो प्लीज, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सिक्स टू टेंथ सारे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ, और तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, राइट। थैंक यू।